आइए दोस्तों, आज हम बेसिक इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर के बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रिक क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इसका आपको पार्ट वन का वीडियो बनाया जा रहा है। इसके आगे आपको पार्ट टू का वीडियो भी बताया जाएगा। आपको आज हम आपको ये इलेक्ट्रिक यहाँ पर हम लिखे हैं और दूसरे कॉलम में हम आपका इलेक्ट्रॉनिक्स लिखे हैं। इसको आप अच्छे तरीके से समझिए। देखिए, आज आपके हर घरों में, सभी घरों में इलेक्ट्रिक का यूज होता है, लेकिन हम ये नहीं जानते आखिर इलेक्ट्रिक है क्या चीज। इसलिए इसको जानने के लिए हम आपको आज अच्छे तरीके से इसको समझा रहे हैं। इलेक्ट्रिक में आप देखते होंगे हमारे घर में जब लाइट रहती है, इसके बाद लाइट चली जाती है, हमारा पंखा बंद हो जाता है, हमारा फ्रिज चलता है बंद हो जाता है, एलईडी बल्ब, इस प्रकार से टीवी रेडियो जो भी इलेक्ट्रिक चीजें चलती रहती है वो अचानक बंद हो जाती है, ऐसा क्यों। इस प्रकार से हम आपको पूरा डिटेल की जानकारी बताने चल रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक जो होता है इसमें आपकी तारों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अणु निरंतर गति करते रहते हैं, जिसके कारण आपका कोई भी उपकरण, साधन व संसाधन चलता रहता है। जब इसमें से कोई अणु, आपके प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन नील हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं या चले जाते हैं, तो आपका साधन वो बंद हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक में आपको परिभाषित हम करते हैं। इलेक्ट्रिक जो होता है वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अणु इसमें निरंतर बहते रहते हैं। इलेक्ट्रिक के लिए हम आपको बताएं, इलेक्ट्रिक मुख्य रूप से आपकी टोटल दो प्रकार की होती है। देखिए, एसी करंट और डीसी करंट। एसी करंट जो होता है आपका, एसी करंट जो होता है वो अल्टरनेटिव होता है। जैसे आपका एक ही में आपका प्लस और माइनस दोनों एक साथ बहता रहता है, लेकिन इसकी पोलरिटी आपकी चेंज होती रहती है। इसकी टोटल पोलरिटी एक सेकंड में 50 साइकिल प्रति सेकंड की होती है। ये हर सेकंड में आपकी पोलरिटी चेंज होती रहती है। जैसे एक बार करंट प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, ये क्रिया आपकी एक सेकंड में 50 बार होती है। इसको हम एसी करंट कहते हैं। एसी करंट में एक बात और होती है, जैसे ये आपका चार्जर है, देख रहे हैं यहाँ आप एसी प्लग लगाते हैं, तो ये चाहे आप इधर से लगा दिए, चाहे इसको घुमा करके आप इधर से लगा देंगे, फिर भी आप में कोई उल्टा सीधा नहीं होगा। लेकिन यदि डीसी तार को हम ले लें, डाटा केबल को ले लें, अगर इसको हम प्लग, इसको हम यहाँ लगाते रहे, देखिए यहाँ लगाते रहे हैं, और इन तार को आप अपने प्लग देंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्पेशल प्लस और माइनस इसमें आपका चेंज हो जाएगा, इससे आपका उपकरण या मोबाइल चलेगी नहीं। इस प्रकार देखिए, हम आपको डीसी करंट के बारे में बता रहे हैं। डीसी करंट जो होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। देखो, इसका सिंबल भी हम आपको बनाए हैं, एकदम सीधी रेखा भी इसका है। इसमें प्लस आपका सीधा चल रहा है और माइनस भी सीधा चल रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग तार में चल रहे हैं। डीसी में आपका, देखिए, डीसी ज्यादा दूर तक आपका नहीं चलता। डीसी क्या होता है, डीसी ज्यादा दूरी तक इसका केबल हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस बनाने लगता है। इसके कारण हमारा डीसी का तार कभी भी आप छोटा ही होता है, क्योंकि आप इन्वर्टर में देख रहे हैं, आप छोटा ही तार होता है। बैटरी का कोई टर्मिनल पॉइंट होता है वो भी छोटा ही होता है। इसीलिए डीसी जो होता है, डीसी के केबल या डीसी कोई बैटरी से कनेक्टिविटी की जाती है, तो वो ज्यादा दूर तक उसके तार नहीं जाते। दूसरी बात यह है कि डीसी जो होता है ये डायरेक्ट करंट होता है, इसकी चाल सीधी रेखा में होती है। और एक बार फिर से बता देते हैं, और एसी जो होता है वो अल्टरनेटिव करंट होता है, इसकी चाल लहरों में होती है। इसमें आपका हर एक सेकंड में 50 बार करंट प्लस से और माइनस चलता रहता है। आप देखिए, इलेक्ट्रिक में मुख्य रूप से तीन बातें होती है। एक है वोल्ट। वोल्ट क्या होता है, वोल्ट होता है वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यों, मतलब कूलाम। जैसे मान लिया जाए आपका वोल्ट क्या होता है, एक वोल्ट किसको कहते हैं, एक जूल बटा एक कूलाम। इसको आप जब काटेंगे तो आपका एक वोल्ट का मान निकल आएगा। यानी आपको परिभाषित रूप से आपको हम बताएंगे तो वोल्ट होता है वो विद्युत धारा की एक मानक होती है। जैसे अपने यहाँ का स्टैंडर्ड पूरे भारत का 220 वोल्ट एसी का है, लेकिन मानक क्या होता है, 210 पर भी हमारा उपकरण चलता है, 230, 40, 50 भी हो जाता है तब भी हमारा उपकरण चलता है, लेकिन इससे ऊपर होता है तो हमारे उपकरण में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इस प्रकार आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक का दूसरा पैमाना आपका एम्पियर है। आइए हम आपको एम्पियर के बारे में थोड़ा डिटेल बताते हैं। एम्पियर जो होता है, एम्पियर एसी का और डीसी का दोनों का अलग अलग होता है। जैसे यहां हम दिखाए हैं, लिखे हैं आपका P बराबर वी आई कॉस थीटा का इनटू फैक्टर। मतलब यह है कि जो भी होता है, भी जैसे अपने यहां 230 वोल्ट आपका एसी है, और जो कॉस का मान हमने
1.8 रखा है। अनेक अलग अलग उपकरण का फैक्टर जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे आपका हम बोल्ट 230 वोल्ट यहां ले लिए, कॉइल का मान एक रख दिए, 0.8 रख दिए इसका मान, तो इस प्रकार एक एम्पियर में आपका 184 वाट विद्युत बन रहा है एसी में। क्योंकि जो इसका आपका फैक्टर होता है ये 0.8 पर सामान्य लोड 0.8 होता है। यदि आपका इसे जैसे कोई मोटर आप चला रहे हैं, मोटर का या आप कोई हीटर चला रहे हैं, दोनों के फैक्टर में थोड़ा अंतर होता है। ये अंतर होता है कि किसी का फैक्टर 0.8 होता है, कि सबसे अच्छा फैक्टर विद्युत का 8 माना गया है। इस प्रकार से हम अगर अच्छा फैक्टर है लोड का तो एक एम्पियर में 184 वाट विद्युत एसी की खपत होगी। इस प्रकार हम डीसी का सूत्र देखिए, डीसी बराबर वी आई है, वी जो होता है वोल्टेज होता है और आई जो होता है उसका एम्पियर होता है। तो देखिए एक एम्पियर में 230 वाट बन रहा है, एक एम्पियर में इसमें 230 वाट विद्युत बन रहा है डीसी का, और एसी का 184 वाट बन रहा है। आप इसको देखिए, वाट हम आपको दिखा रहे हैं, वाट बराबर वी गुणे आई। जैसे कोई आपके पास साधन 500 वाट का चलाना है, जैसे मान लीजिए हम थोड़ा समझा भी देते हैं। देखिए 500 वाट का कोई उपकरण चलाना है तो 500 वाट का उपकरण वी गुणे आई इसका सूत्र है। तो 500 वाट का कोई उपकरण चलाना है और आपके घर में कॉमन रूप से 250 वोल्ट की सप्लाई है, ऐसा हम मान रहे हैं, आपको बताने के लिए केवल एग्जाम्पल बता रहे हैं, और 2.5 एम्पियर का करंट हम फ्लो हो रहा है वहां पर, 2.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो आपका वो 500 वाट का उपकरण आपका आसानी से चलेगा। यदि वोल्टेज घट जाता है उस हिसाब से एम्पियर बढ़ जाता है, यदि आपका वोल्टेज बढ़ जाता है तो एम्पियर घट जाता है। लेकिन ये वाट जो होता है वो स्टैंडर्ड मानक है, सप्लाई अपने हिसाब से वो आपका लेता रहेगा। इसका जैसे आप दिखा रहे हैं आपको, ये 500 वाट बिजली के लिए 250 वोल्ट और 2.5 एम्पियर का करंट इसको चाहिए। तो इस प्रकार से हम आपको एक परिभाषित रूप से एग्जाम्पल के रूप में समझा रहे हैं, ये बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। आगे चलिए, देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक था, इलेक्ट्रिक में आपके जैसे हम इलेक्ट्रिक का एक बात और बता देते हैं आपको, जो कंपोनेंट का विद्युत में सीधे उपभोग कर दिया जा रहा है, जैसे आपका ट्रांसफार्मर ले लीजिए, मोटर ले लीजिए, विद्युत बल्ब ले लीजिए, ये सब इलेक्ट्रिक के कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक के सीधे उदाहरण है आपको। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में विद्युत को कंट्रोल किया जाता है। इसकी परिभाषा ही यही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत हम विद्युत को कंट्रोल करके उपभोग करते हैं, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये छोटे छोटे जो इसमें कंपोनेंट लगे होते हैं आप देख रहे हैं, ये हम एक प्लेट लिया हूं, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हैं। इन कंपोनेंट के हिसाब से, इन कंपोनेंट की सहायता से जो कार्य होते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। जैसे कुछ यहां पर हम आपको कंपोनेंट बनाए हैं, इन कंपोनेंट को कार्य बता रहे हैं आपको इस वीडियो में। आप इस वीडियो को पूरा आराम से देखिए, ये आपको पूरी जानकारी यहां से आपको चिन्ह के बारे में, कार्य के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जा रही है। देखिए ये आपका जैसे मान लिया पहला पुर्जा आपका ये है, आपका पहला पुर्जा ये आपका ट्रांजिस्टर है। तो देखिए ये ट्रांजिस्टर हम एक हाथ में लिए हैं, देखिए आप ये ट्रांजिस्टर हम आपका एक लिए हैं, देख रहे होंगे आप ये ट्रांजिस्टर है आपका। ये अक्सर तीन टांग का होती है, हमेशा तीन टांग का ही होता है। इसमें बेस कलेक्टर और इमीटर तीन पिने होती है, बेस कलेक्टर और इमीटर। इसका पिन अगर ज्ञात करना है तो इसका हम आपको पार्ट टू में आपको बताएंगे कैसे किसी ट्रांजिस्टर का बेस कलेक्टर इमिटर जाना जाए। लेकिन आज हम केवल इस ट्रांजिस्टर के कार्य के बारे में बता रहे हैं, इस ट्रांजिस्टर कैसे कार्य करता है और इसका वास्तविक ऊर्जा क्या है और इसका सिंबल चिन्ह क्या है ये बताएंगे। देखिए यहाँ पर हम चिन्ह का जिक्र कर रही है, देखिए यहाँ लिखे ट्रांजिस्टर, इसमें तीन टांगे होती हैं जिसको बेस कलेक्टर इमिटर के नाम से जाना जाता है। ये आपका एन टाइप का ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर वैसे पहले दो टाइप के होते हैं, पी टाइप चैनल और एन टाइप चैनल, यानी एनपीएन और पीएनपी। लेकिन यह है कि यहाँ पर एन टाइप का हमने एक सैंपल के लिए बनाया है, इसको आप देखिए। ये आपका दूसरा कंपोनेंट आपका डायोड है, डायोड भी आपका देखिए छोटा सा पुर्जा, ये डायोड आपको दिखा दे रहे हैं हम आपको। देखिए ये आपका डायोड है और
देखिए ये आपका डायोड है, आप डायोड पे एक पट्टी बनी होती है, देखिए आप ध्यान से ये पट्टी बनी है, ये पट्टी आपका कैथोड पिन होता है और ये एनोड पिन होता है। हम आपको एक बात का ये भी जिक्र बता दें, कुछ जैसे आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो ये आपका एनोड बोलते हैं और ये कैथोड बोलते हैं, क्योंकि वो लोग इधर से धन पास होता है इसलिए वो इसको कैथोड इसको एनोड बोलते हैं। तो ये बात है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर हम इसको आपको ये कैथोड मान रहे, जो पट्टी आपकी स्लेट कलर की बनी है इसको कैथोड मान रहे, इसको एनोड। ये डायोड अगर हम दिखा दें आपको तो हम ऐसे बनाए हैं, देखो पट्टी दिख रही होगी शायद या थोड़ा कम दिख रही होगी, आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। तो इस कार ये एनोड और कैथोड दो पॉइंट डायोड में होता है, और डायोड का हम आपको सैंपल बताए, वास्तविक डायोड दिखाए। अब ये कार्य क्या करता है, ये विद्युत का एम्पलीट्यूड समाप्त करता है। जैसे आप देखते होंगे एसी में ऐसी लहरें होती हैं, इन लहरों को ये जब डायोड आप लगा देते हैं तो ये समाप्त कर देता है, यानी एसी को डीसी में आपका कन्वर्ट कर देता है सीधा, यानी ये आपका जो तरंगे है तरंगों को समाप्त करती है, सीधी रेखा में इसको बना देता है। यानी यहाँ डायोड का बता दें अगर पूरा कार्य, तो डायोड एसी को केवल डीसी में बदल देता है, या आप वैसे कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड को समाप्त करता है। इस प्रकार आपकी आ गई आईसी। आईसी आपको हम दिखा देते हैं, इसका कार्य बताते हैं। देखिए हमारे पास ये आईसी है, देखिए ये आपकी ये आईसी लगी है, देखिए एक प्लेट से आईसी देखिए आप लगी है, ये भी आपकी आईसी है। देखिए आईसी जो होती है, आईसी का आपका ये सिंबल है, आईसी सिलिकॉन की बनी होती है जैसा आपको अभी दिखाए, लेकिन ऐसा कहीं रहे कि आप पहचान ना जाने। आईसी जो होती है इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसके अंदर सूक्ष्म रूप से बहुत सारे सर्किट जैसे रेजिस्टेंस की सर्किट, कंडेंसर की सर्किट, क्वाइल कंडेंसर की सर्किट, ट्रांजिस्टर की सर्किट, पूरा इसके अंदर पैक करके बनाई गई होती है डायोड की सर्किट। तो इस प्रकार आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसके अंदर ट्रांजिस्टर डायोड रेजिस्टर कंडेंसर की पूरी सर्किट पैक करके बनाई गई होती है, इसमें पिनें निकली होती हैं। इस प्रकार से ये आईसी का आपको चिन्ह बताए, सिंबल बताए। आज हमारा तरीका केवल सिंबल बताने का है, वैसे ज्यादा बहुत परिभाषित नहीं करना है। ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल है, रेजिस्टेंस हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस है आपका, ये रेजिस्टेंस है, आप देख रहे होंगे अगले वीडियो में होगा, इसका कलर कोड भी आपको निकालना बताएंगे। देखिए ये रेजिस्टेंस है, इस प्रकार देखिए ये रेजिस्टेंस का काम क्या है। रेजिस्टेंस जब यहाँ कोई सप्लाई आप देखते हैं, जैसे 12 वोल्ट यहाँ सप्लाई आप दिए, तो यहाँ से आपकी सप्लाई 10 वोल्ट निकली, जो जो इसका मान आप बढ़ाएंगे सप्लाई कम होती जाएगी। जैसे ये 12 वोल्ट सप्लाई आप यहाँ दिए, तो यहाँ आपकी 10 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर निकलेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस सप्लाई को कम कर देता है। ये आपका कंडेंसर है, आप देख रहे हैं, जैसे ये भी आपका एक कंडेंसर है और ये भी आपका कंडेंसर है, और भी कंडेंसर नॉन पोलर वाले आते हैं जो कंडेंसर इलेक्ट्रिक में प्रयोग, जैसे पंखे में मोटर में जो प्रयोग होते हैं, लेकिन ये आपके डीसी कंडेंसर हैं, ये डीसी कंडेंसर है, इसमें प्लस माइनस बना है। यहाँ देखिए ये कंडेंसर का सिंबल किसी कागज पर ऐसा देखेंगे आप तो समझ जाइए कंडेंसर है। इसके बाद आपका ये क्वायल है, क्वायल का चिन्ह है, ये क्वायल आपको हम दिखा दे रहे हैं। देखिए देखिए इसको भी आप क्वायल कह सकते हैं, ये इसका मुख्य कार्य क्या है, ये भी आपका एक प्रकार का क्वायल ही है, हम आपको क्वायल दिखा रहे हैं। देखिए और ये भी एक प्रकार का क्वायल है, दिखा रहे हैं। देखिए ये आपका क्वायल है, देखिए इसके अंदर क्वायल लपेटा गया है, इसके अंदर क्वायल लपेटा गया है। अब देखिए ये आपका क्वायल है, क्वायल का समझ लीजिए आप, जैसे जब यहाँ पर कोई 220 वोल्ट की एसी सप्लाई देते हैं, 220 वोल्ट की एसी सप्लाई देते हैं, तो यहाँ 220 वोल्ट की पूरी सप्लाई आउट हो जाती है, लेकिन क्वायल अगर परिभाषित करें तो क्वायल यहाँ पर विद्युत धारा के मार्ग में विलंब उत्पन्न केवल करने का कार्य करता है, क्योंकि यहाँ सप्लाई रिटर्न घूम करके जाती है, जैसे यहाँ कोई सप्लाई आप देते हैं और यहाँ तुरंत निकल जाती है, लेकिन इसी क्रम में आपका इस जब क्वायल की सप्लाई होकर के जाती है तो ये विलंब कर देता है। क्वायल परिभाषित करने के लिए हम ये कह सकते हैं क्वायल विद्युत धारा के मार्ग में विलंब उत्पन्न करता है। इस प्रकार आपको इस प्रकार ये आपके टोटल आपके ये एक्टिव ये आपके पैसिव कंपोनेंट है और आपके ट्रांजिस्टर डायोड आईसी एक्टिव कंपोनेंट है। इसके आगे हम आपको अदर सिंबल भी हैं जो अगली वीडियो में बताएंगे, पार्ट टू में बताएंगे। ये पार्ट वन का वीडियो है, आप हमारा पार्ट टू का वीडियो देखेंगे, इसमें पूरा डिटेल आपको हम बताएंगे। इस प्रकार ये लॉन्ग वीडियो में थोड़ा सा आप वॉच
देंगे समय का, तो आपके पूरा समझ में आएगा। इस प्रकार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।